नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ और कुछ खास मेहमानों के साथ समझेंगे उन मुद्दों को। दो खास मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से किसानों का मुद्दा संसद में गूंजा और राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जमकर के निशाना साधा गया, पलटवार भी हुआ सरकार की तरफ से भी। क्या कुछ हुआ और क्या किसान को मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा मुद्दे पर भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ खास है। लेकिन सबसे पहले जरा सुनते हैं आज जिस तरीके से निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं है क्या? क्या सिर्फ दो तीन फ्रेंडली पूजे इंडस्ट्रियल पूंजीपति मेक इन इंडिया कर सकते हैं? क्या छोटा बिजनेसमैन मेक इन इंडिया नहीं कर सकता? क्या छोटा किसान मेक इन इंडिया नहीं कर सकता? क्या मजदूर मेक इन इंडिया नहीं करता है? हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। प्लीज प्लीज अंडमान निकोबार बैठिए। आपके प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आए हैं, पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने मदद नहीं की, किसान ने सह लिया, बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया, खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया, और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। अगर आप मंडियों में जल्दी से जल्दी अनाज उठाएंगे, अगर जो किसान को नुकसान हुआ है ओले से उसका कॉम्पनसेशन देंगे, तो फायदा आपका ही है, हमारा नहीं है। मैं यहां आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मंडियों से आप प्रोक्योरमेंट कीजिए और जो किसान का दर्द है उसे कम कीजिए। चलिए, निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी, कहा गया कि टूर पर इंडिया के हैं तो क्यों नहीं पंजाब का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात हुई उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और पलटवार भी आया बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी। अकाली दल की नेता और सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने क्या कुछ कहा और उसके बाद रामविलास ने क्या कुछ जवाब दिया, आइए जरा सुनते हैं। मंडी के विजिट करने से, जाने से किसान की हालत का, समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हम लोग अभी 11 ओला पड़ा बिहार में, क्यों नहीं कोई गए ओला में देखने के लिए? भूकंप आया, भूकंप को देखने के लिए क्यों नहीं आए? एक मंडी में जा करके और उंगली कटा करके लोग शहीद बनने का काम कर रहे हैं। ये उंगली कटाने से शहीद नहीं बना जाता है। चलिए, तो कोई कह रहा है पंजाब जाकर के मंडी विजिट किया जाए, कोई कह रहा है उंगली कटा करके आप शहीद नहीं बन सकते हैं, बात सब किसानों की कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही, लेकिन इस आत्महत्या के बीच में कुछ विवादित बयान भी आ रहे हैं। जी हाँ,
हरियाणा सरकार में एक मंत्री का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आत्महत्या करना अपराध है और सरकार ऐसे लोगों की कतई मदद नहीं करेगी। जरा सुनिए, और इस बयान पर भी तमाम हंगामा मचा, किस तरीके की संवेदनहीनता यहाँ पर देखने को मिली। जो भी आत्महत्या करता है वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर और अपनी ऐसी हाउसवाइफ पत्नी पर अपना बोझ ट्रांसफर करके चला जाता है, जिसको हरियाणा में अच्छा नहीं माना जाता। ये वीरों की भूमि है, यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं है। और अगर दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है, भारत का इंडियन पेनल कोड का 309 जो धारा है वो कहती है कि कोई आत्महत्या जैसा प्रयास करता है तो वो भारत के कानून के हिसाब से वो नहीं रेणुका में ना, मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है, मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ। चलिए, सुना आपने किस तरीके से किसानों की मौत पर भी बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसका भी पलटवारा है, वो भी सुनाते हैं, फिर तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनको रूबरू कराते हैं। जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, दूसरी तरफ उसको उत्पादन की राशि नहीं मिल रही, खरीदारी बंद की जा रही है एफसीआई के द्वारा, इतनी निर्ममता और उसके ऊपर अब ऐसा वाक्य हो, ऐसा वक्तव्य हो, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा काला कलंक इस देश के इतिहास में नहीं हो सकता। अगर अन्नदाता के बारे में कोई भी सरकार का कोई भी जिम्मेदार मंत्री ऐसा वक्तव्य या बयान दे, मैं तो कहूँ कि इसका अगर हम निंदा करेंगे तो उसको हम महत्व दे रहे हैं। इतना बेबुनियाद ये बयान है और इतनी निर्ममता का एक प्रतीक है कि मैं समझता हूँ कि भाजपा का असली चेहरा अब देश की जनता के सामने है। घमंड तो है, आखिर सरकार को घमंड तो है ही सही। ऐसे नौसुखिया लोग हैं कि वो मंत्री बनने के बाद अहंकार से भर जाते हैं, उन्हें होशो हवास ही नहीं कि आत्महत्या जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं, तो किसानों का मामला इससे अलग है, वो चारों तरफ से परिस्थिति और विकट परिस्थिति में घिर जाते हैं। कर्ज से लेकर के आपने किसान का कार्ड बना दिया है, ये सब चीज़ों को लेकर के आगे घर कैसे चलेगा, शादी ब्याह कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये चिंताएं उसको डिप्रेशन में डालती है और वो आत्महत्या करता है। ये हमारा काम है, सरकार का काम है कि उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। ये जो आदमी दे रहा है वो बिल्कुल यानी बददिमागी का उनका बयान है। बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि आदि को लेकर जो किसान बड़े पैमाने पर दुखी है, उनकी फसल नष्ट हो गई है, केंद्र और राज्यों की सरकारें जितना गंभीरता से किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए ऐसी स्थिति में बराबर नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं और अपनी खराब फसल को देखकर सदमे से भी बड़े पैमाने पर वो उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसे खराब स्थिति में तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को उनकी मदद करने की बजाय ये कह देना, वहाँ के कृषि मंत्री का ये कहना खास तौर से कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो कायर था, वो उनको कायर बता रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये इनका बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, बल्कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को चाहिए कि उनकी आर्थिक मदद करे, फिर उनको आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तमाम बयान आपने सुने। चलिए, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील चोपड़ा साहब हैं, नेता सीपीएम के हमारे साथ, महिपाल सिंह तराल साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, मिथिलेश सिंह जी नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं, पुनीत लाकड़ा साहब नेता भाकियू के, ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात तब करेंगे कि चर्चा सभी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा के बीच में भी किसान हैं, लेकिन अभी तक किसान के हालात सुधरे नहीं हैं। लगातार अलग अलग हिस्सों से देश के किसानों के आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। पुनीत लाकड़ा साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जो स्थिति बनी हुई है किसान की, एक तरफ तो ये है कि मौसम की मार है, फिर कई जगहों पर आधी तूफान भी आ रहे हैं, उसके बाद से भूकंप की स्थिति है, इन सब के बीच में क्या आप चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये जो तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका कुछ हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सरकार और राजनीतिक दल केवल किसान को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, भाषणों तक सीमित है किसान। अभी तक किसान अपने जमीन पर है, जमीन में खेती बर्बाद हो चुकी है, उसकी आर्थिक स्थिति आप गांव में जाइए आकलन करिए क्या हालात हैं। सरकार क्या कदम उठाएगी केवल भाषणों तक सीमित रखती है इस बात को। धरातल पर क्या किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है, मीडिया के कितने सारे चैनल हैं, जाके मूर्त रूप से देख सकते हैं उसकी क्या स्थिति है, उसके घर की क्या दशा है, उसके बच्चों की क्या हालत है। और ये सिर्फ संसद की लड़ाई और कंधे पर हल उठा लिया गया है कि लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप देखिए 40 साल पहले जो देश का किसान खुशहाल था, आज उसकी क्या स्थिति हो गई है, बदतर स्थिति में किसान आज जी रहा है। और कितनी बड़ी जनसंख्या है, 67 से 70% आबादी इसी कृषि पर निर्भर है। देश में जो अन्न पैदा होता है जिसे हम बफर स्टॉक बनाते हैं उसको वो देता है, और वो अन्नदाता आज खुद याचक की भूमिका में है। ये सवाल तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतने सालों में अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो आज उन्होंने पिछले साल तक क्या ठोस कदम उठाया कि स्थिति अचानक एक प्राकृतिक आपदा से इतनी भयावह हो गई है कि हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जब आत्महत्या का जिक्र आप कर रहे हैं और जब आप ये भी सुनते हैं कि सरकार के ही कुछ मंत्री ये कहते हैं कि जो बयान अभी हमने सुनाया आपको हरियाणा के कृषि मंत्री का, क्या कुछ किसान महसूस करता है और आप जैसे नेता जो है वो क्या महसूस करते हैं किसानों? ओपी धनखड़ जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल निंदा के लायक है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। असंवेदनहीनता सरकार की दर्शाता है ये बयान। आप देखिए कर्ज, कुर्की, इस सबसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी है। गांव में, शहर में, समाज, देश के अंदर बसता है वो आसपास के ताने बाने को देखता है। आप देखिए कि उसकी कुर्की और कर्ज के बोझ के तले उसका आत्मसम्मान इतना डूब जाता है कि वो उसे बचाने के लिए मजबूरन मौत को गले लगाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए, अगर हम किसी धारदार वस्तु से अगर अपना हाथ भी काटना चाहें तो उसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। सोचिए मौत को गले लगाने के लिए कितना बड़ा कलेजा उसके अंदर है, क्या वो कायरता है, उसकी मजबूरी है कि वो अपनी आंखों से अपने परिवार को मरते देख नहीं सकता, ये उसका आत्मसम्मान है। चलिए और बाकी लोगों से भी राय लेते हैं। चोपड़ा साहब, जो स्थिति बनी हुई है उसको कैसे आप देख रहे हैं? तमाम वादे किए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रकृति भी अपना खेल खेल रही है, कैसे देख रहे हैं आप प्रकृति, सियासत और किसान, इन तीनों को? इसमें पहली चीज ये है कि प्रकृति जो है उस पर नियंत्रण होना चाहिए सियासत का। आपने एक स्टेट बनाई है, आपने एक सत्ता बनाई है, आपने एक व्यवस्था बनाई है, अगर वो व्यवस्था हिंदुस्तान के अधिकतर लोगों का कुछ नहीं करेगी और चंद लोगों को लोन देगी, आप ये समझ लो कि लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, उनको कोई छूता नहीं है। मलिया जो है उसके मेरे ख्याल 13,000 करोड़ रुपया उसने ले रखा, उसको कोई छूता नहीं। किसान 3,000 का कर्जा ले ले तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। मैं भी कई बार गया हूं, हमको तहसील के हवालात के ताले तोड़ने पड़े, हमने कहा ये कानून के खिलाफ है, आप इनको 24 घंटे से ज्यादा नहीं वहां रख सकते। 14-14, 15-15 दिन उनको वहां रखा हुआ जब तक उनकी जमीन नहीं बिकती। तो मेरा ये कहना है इस देश में दोगला चरित्र है व्यवस्था का, एक कानून है अमीरों के लिए, एक कानून है छोटे आदमी के लिए, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। तो
तो ये जो दोगला चरित्र है इसको आपको रोकना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, अभी मैंने हनुल्लाह से बात की 15-20 मिनट पहले, तो मुझे बता रहे थे कि 424 जगह ये कानून का कागज जलाया गया है, और 5000 जगह और 424 जिलों में देश में। तो आप ये समझ लो कि राजनीतिक दल भी हैं, वो दल भी हैं जो कि एक बहुमुखी रूप में किसानों में जा रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं और उनको हिम्मत दे रहे हैं कि तुम इसका मुकाबला करो। और सियासत भी तो कर रहे हैं, सियासत क्यों नहीं करेंगे? ये सियासत नहीं है कि मैं सिर्फ अंबानी को पैसा दूं, अडानी को पैसा दूं और किसान को तहसील की हवालात में बंद कर दूं, ये सियासत नहीं है तो क्या है? अगर वो सियासत नहीं होती कि मैं अब कह रहा हूं कि जो भ्रष्ट अफसर हैं उन अफसरों के लिए भी नया कानून बना लिया जाए कि थोड़ा सा तेल लग जाए उनके जिस्म पे, तो मेरा ये कहना है कि ये भी सियासत है। तो जो एक जनता की सियासत है, एक भ्रष्ट चोर और बड़े बड़े अधिकारियों की सियासत है, मेरा ख्याल है जनता की सियासत एक जनतंत्र में बेहतर है। महिपाल जी, आपके जो उपाध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो आने के बाद काफी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, कभी पंजाब पहुंच रहे हैं, कभी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आज भी संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया और पूछ रहे हैं कि इंडिया के टूर पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा पंजाब जा करके देखें। लेकिन ये सवाल तो उठता है, जिस जो सवाल उठाया गया कि जब वाकई में लोग मर रहे थे, जब वाकई में ये स्थितियां सामने आ रही थी, भूमि अधिग्रहण पर तमाम हल्ला मचा हुआ था, तब वो उपाध्यक्ष साहब गायब थे, तो ऐसे में क्या उनकी नैतिक हक बनता है इस तरीके से सवाल उठाने का? और लंबे समय से आपकी सरकार रही है इस देश में और 10 सालों तक आपकी सरकार रही, उस दौरान भी ऐसा नहीं है किसानों की आत्महत्या का मामला कम रहा हो, लगातार जो ये आंकड़ा बढ़ता ही गया है और करीब 3 लाख किसानों से 3 लाख के आसपास किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। जानना चाहेंगे आपसे क्या नैतिक हक है आपका? जहां तक किसानों की आत्महत्या का सवाल है तो वह पूर्णतः प्राकृतिक आपदाओं के कारणवश है जो कि सरकार के वश में नहीं है। इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी उस पर भी प्राकृतिक आपदाओं पर आप देखते होंगे कि किसी भी सरकार का कोई वश नहीं रहा, और प्रकृति जब भी अपना प्रकोप दिखाती है तो वो सभी को, वो ना किसी गरीब को ना अमीर को, किसी को नहीं बख्शती है, सभी को एक समान उसके साथ जो है व्यवहार करती है और सजा सुनाती है। जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है तो उन्होंने राजनीति से कुछ समय के लिए एक ब्रेक लिया था कि कुछ जो मुद्दे हैं आज मुख्य धारा के उन पर वो अपनी एक नया दृष्टिकोण अपना सके और नए सिरे से उनको उठा सके। गलत था उनका? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था वो, उनका ब्रेक लेना एक बिल्कुल जरूरी था और उसी का आज परिणाम हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी नए जोश और खरोश के साथ लोग आत्महत्या कर रहे थे, लोग भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, आपकी पार्टी के लोग निकल करके मार्च कर रहे थे, और ऐसा कौन सा ब्रेक था कि वो बीच में तोड़ा नहीं जा सकता था? हम तो अगर कोई ऐसी ब्रेकिंग आ जाए तो हम लोग बीच में ब्रेक से वापस आ जाते हैं, तो ऐसा कौन सा ब्रेक था? तो ये सवाल तो पूछेंगे आपसे हम कि आखिर में क्या नैतिक रूप से आपके पास ये हक है ये सवाल करने का, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं लोकसभा के अंदर? जी, पूरा नैतिक अधिकार है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही हिस्टोरिकल पार्टी रही है और उसका पॉलिटिकल बहुत जड़े मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर जो है आधारित पार्टी है। तो राहुल गांधी जी के ब्रेक लेने की दौरान हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी पूरी पार्टी का दिशा निर्देश और उसको नेतृत्व दे रही हैं और पूरा देश का पीएम सरकारी विदेश दौरे पर जाए तो आप कहते हैं कि जब वापस लौट के आए तो आप कहते हैं इंडिया के टूर पर आए हैं। आपके यहाँ के जब उपाध्यक्ष साहब बाहर जाए, छुट्टी पे गए, कहाँ गए अभी तक पता नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस ने अपने हवाले से कुछ खबरें चलाई हैं, उसका भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। तो फिर जब आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं तो दूसरों पर कैसे उंगली उठाएंगे? देखिए, जब तक इंसान को कुछ एकदम बिल्कुल जो है ना उसको अज्ञातवास नहीं मिलेगा, उसको मन चिंतन वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मनोदिशा काफी जो है ना उस समय कभी अनेकों प्रकार के दबाव से जो है वो थोड़ा सा विश्राम लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो ब्रेक लिया और अब आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि नए सिरे से पूरे जोश खरोश के साथ जो है वो जो भी भारतवासियों के सामने समस्याएं हैं उनको सामने रख रहे हैं। लकड़ा साहब, इनके तर्क से सहमत हैं आप? देखिए, राजनीतिक दलों का सवाल अगर आप हमसे पूछते हैं तो उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि
बड़ी अच्छी बात है, वो आप चिंतन कर रही हैं और मैं उन्हें कहता रहूँगा कि वो बार बार ये आत्मचिंतन करते रहें, हो सकता है कभी कभी लोगों का भला भी हो जाए इस आत्मचिंतन। चोपड़ा साहब जी, क्या क्या नहीं, मेरा ख्याल है आत्मचिंतन की जरूरत थी। किस तरह की जरूरत? कि सबसे पहली जो आत्महत्याएं हुई हैं, 3 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं, सबसे पहले जो हुई हैं वो मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर के पीरियड में हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कृषि में जो पैसा जा रहा था उसको एकदम काट के बहुत कम कर दिया था। तो जब छोटे आदमी को सहयोग नहीं मिलेगा अपनी सत्ता का, अपनी सरकार का, अपने देश के जो लोग राज कर रहे हैं उनका, तो वो भूखा नहीं मरेगा तो क्या होगा? तो हो सकता है कि राहुल जी एक आध महीना सोच रहे होंगे कि भैया पहले हमने जो किया वो तो कंटिन्यूटी है, जो यूपीए और एनडीए की पॉलिसीज हैं वो अलग अलग नहीं थी, और अब भी हम देख रहे हैं कि जो एनडीए की नई पॉलिसीज हैं वो अलग नहीं है। ये हरियाणा के मंत्री को हमने सुना, उससे कुछ दिन पहले हमने राजस्थान के मंत्री को यही बात कहते हुए सुना, और चंद दिन पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश ने एक नया कानून पास कर दिया है जिससे कि किसानों की जमीन और आसानी से छीनी जाए। इन दोनों की समझ ये है कि विदेशी पूंजी, देसी पूंजी और कॉरपोरेट इंटरवेंशन कृषि में होनी चाहिए। मुझे कॉरपोरेट इंटरवेंशन से एतराज नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट इंटरवेंशन आप वहां कीजिए जहां आदमी खेती नहीं कर रहा है। जहां आदमी खेती कर रहा है उसकी जमीन लेने की क्या जरूरत है? उसकी जमीन आप लेंगे, काम नहीं देंगे, वो भूखा मरेगा। तो मेरा ये कहना है कि इनको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था। अब देखते हैं इनका आत्मचिंतन इनको कहां तक लेके जाए। चले, कुछ कहना चाह रहे हैं आप तराज साहब? मैं अपने मित्र सुनील चोपड़ा जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि श्री मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों के कारण जो है देश में किसानों की आत्महत्या जो है वो एकदम बढ़ी। क्योंकि आप देखते हैं कि उस समय जब 1991 में कांग्रेस की सरकार आई और मनमोहन सिंह जी उस समय जब वित्त मंत्री बनाए गए पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तो देश के सामने जो ना अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। पूर्ववर्ती सरकार जिसके श्री चंद्रशेखर जी जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोना गिरवी रख दिया था। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ कड़े फैसले करने ही थे, अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था और बुरी तरह लड़खड़ा जाती। और उसी समय ये ऐसे कड़े फैसले किए गए, लेकिन तब भी यदि आप ध्यान देंगे तो उस समय भी प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ी भूमिका थी जिससे किसान आहत थे और आत्महत्याएं कर रहे थे। चले, लेकिन दिया क्या? चले चले, जरा जरा जरा, आखिर काला धन उस वक्त खींच के ले आते। चले मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जो स्थिति है बिहार की जहां आपकी सरकार है वहां की स्थिति और भी गंभीर है। गंभीर कई लिहाज से है, एक तो बेमौसम बारिश ने जो खेल बिगाड़ा किसानों के लिए वो तो था ही था, लेकिन वहां पर आए भूकंप में जिस तरह लोगों की जाने गई हैं, बहुत लोगों के घर भी उजड़ गए हैं, आंधी तूफान भी वहां पर जबरदस्त देखने को मिला जिसकी वजह से भी तमाम लोगों के घर तबाह हुए हैं, क्या स्थिति है? किसान क्या सिर्फ राजनीति के लिए ही है क्या, और क्या कुछ कदम आप उठा रहे हैं? विपुल जी, थोड़ा सा मैं पीछे से आना चाहता हूँ, आजादी के बाद से। इतना पीछे मत जाइए सर। नहीं, 2 मिनट, मतलब इसको 1 मिनट में खत्म करूंगा। आजादी के बाद से इस देश का देखें, जो जीवन नौका चलाने वाला सबसे बड़ा उद्योग कहा जाए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, इस देश का सबसे बड़ा जो है वह था किसान और कृषि। लेकिन जितनी भी सत्ता में लोग आए, पार्टी के नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये सभी लोगों ने, जितने भी अब तक के लोग आए, सभी लोगों ने किसान को नकारात्मक दृष्टि से इन्होंने देखा। आज जो स्थिति है, प्राकृतिक एक तरह से किसान के साथ तो खिलवाड़ करते आई है, और उस खिलवाड़ के तहत सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह किसान होता है। इस देश का विकास, अगर कोई कहते हैं कि देश का विकास जब तक इस उद्योग का विकास नहीं होगा, कृषि उद्योग का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश का उद्योग नहीं हो सकता है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं लोग, अरे भाई मेक इन इंडिया तो आपके यहाँ सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जो सबसे बड़ा उद्योग है, उसको डेवलप क्यों नहीं करना चाहते हैं?
विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, हमने जो है मेकिंग इंडिया चाहिए, आप आइए उद्योग लगाइए, हमारा जो उद्योग है वो मर रहा है, उसको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता और दुनिया में ढोल पीटे जा रहे हैं? बिल्कुल। अरे सवाल उठता है कि जो आपके पास संसाधन है जी, उसको तो सदुपयोग करें। जिस तरीके से सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंस थोड़ी बड़ी है, अब जिस तरीके से जो स्थिति है, तमाम अब जो किसान हैं उनके अपने घर वाले अब खेती नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे में आपको लगता नहीं जरूरत है कि कृषि के अलावा भी एक विकल्प तैयार किया जाए ताकि उस घर के परिवार के लोगों को भी रोजगार मिल सके? क्योंकि हमारे यहाँ खेती जो है काफी हद तक प्रकृति पर निर्भर है, तो ऐसा ना हो कि विपुल जी आपको आपको बीच में मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। बोल दीजिए। देखिए हमारे पास संसाधन है, हमारे पास नदियां हैं, जल स्रोत है, तालाब है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, आप देखें किसान के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। एक केवल कृषि की सिंचाई, खेत को पानी देने के लिए किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पांच पांच छह छह प्रकार की टैक्सेस वसूली जाती है। ये जो पूर्ववर्ती सरकारें जितनी भी रही है, ये आज की तत्कालिक सरकारें हैं। बिहार पर जब तक लाभ चिंतन नहीं करेंगे, बिहार जब तक आपकी समस्या का समाधान किसानों की समाधान नहीं हो सकती। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल मेरा ये है, बिहार में आपकी सरकार है, बिहार में किसानों की स्थिति सबसे बदतर है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बिहार में, बहुत अच्छी है बिहार में। सुन लीजिए, बिहार में जो संसाधन है, सुन लीजिए, आजादी के बाद से हमारे जितने भी लोग बने वहां मुखिया, संसाधन जितना है, जितनी नदियां है, आपको आपको पता होगा कि आजादी के बाद सबसे पहला कोसी योजना का प्रोजेक्ट बनाया गया था। अभी का बताइए, 10 साल का जो आपकी सरकार, अभी तो अपनी सरकार का बताइए। उस योजना को पंजाब ट्रांसफर किया गया। दूसरी बात आप देखें, आज के डेट में जब से नीतीश जी की सरकारें आई है, तब से आप जो है ताल योजना लाया गया, नदियों की तटबंध की गई, पानी आता था, पानी आता था, पूरे खेत दिया बह जाता था। स्थितियां कितनी बदली। लेकिन सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, तो वो आज देखिए ताल योजना ला करके आप ताल को तटबंध किया गया और उस पर कृषि योग्य भूमि मतलब बनाया गया, उसको पानी रोका गया, नहीं तो दहाड़ ही दहाड़ हो जाता था। आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, बिहार में जितना जल स्रोत है किसी भी प्रदेश में नहीं है। आज उसकी केवल देखिए, केवल बिहार सरकार कहकर के हम उसको ये नहीं कर सकते, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीतियां के चलते आज सरकार तक की गलत बिहार की जो है वो संसाधन मुहैया नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार जो है वो नहीं कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे कह रही है, लेकिन इन सबके बीच में पिस तो किसान ही रहा है। आपसे जाना चाहेंगे लकड़ा साहब, एक चीज मुझे समझाइए, अगर आप हमारे दर्शकों को जो हमारे इस समय देख रहे हैं, ये बहस देख रहे हैं, दो चार छह पॉइंट ऐसे कुछ सुझाव हैं क्या आपके पास जो आप चाहेंगे कि सरकार तक, इस मंच के जरिए सरकार तक पहुंचे? क्या कुछ बेसिक चीजें हैं जो वाकई में किसान की जरूरत है, जिसको आपको लगता है कि अगर इन चीजों पर फोकस किया जाए तो ये जो बहस है, जिस जो सियासत है, ये कम से कम समाप्त हो ताकि किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े? देखिए, सरकार सवाल करती है, विपक्षी पार्टियां सवाल करती हैं, ये भी संसद में जवाब देते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि किसान कर्ज से डूब रहा है तो हम कर्ज माफ करेंगे। अभी तक सिर्फ मांग होती है, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो कहती है हम कर रहे हैं, जब विपक्ष में होती है तो कहती है सरकार करती क्यों नहीं है, जब वो खुद होते हैं क्यों नहीं करते। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, दो मतलब इसका जरा मुझे ठीक से एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी अर्थशास्त्र की मुझे भी है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक किसान ऐसा है जिसकी की स्थिति बहुत खराब है, एक किसान ऐसा है जिसके पास 500 एकड़ की जमीन है, दोनों किसान ऑन पेपर दोनों किसान हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सबके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, उस किसान और उस इस किसान को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्या आपको लगता नहीं कि ये भी एक बड़ी समस्या है, जो जो जिनकी कर्ज माफी हो रही है, पहले भी हुआ है जो कर्ज माफी हुई उसका फायदा जो जेन्युइन किसान है उसको नहीं हुआ, वो अभी उसके पास उस समय भी जो है बैंकों से पैसा उसको नहीं मिल पाता। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, सरकार कैसे नहीं मालूम कर सकती, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं सरकार के पास, कौन छोटा किसान है कौन बड़ा किसान है? ये तो बड़ी मामूली सी जानकारी की कर्ज माफी की जाए, आप तय कर दीजिए कि 4 एकड़ 3 एकड़ के छोटे किसान का कर्ज माफ होगा। आप देखिए किसानों का 80% 90% किसान उसी में खुश हो जाएगा। आप देखिए छोटा किसान, अगर हम औसत उसकी
खेती की बात करते हैं जो जिसमें वो बोझ उत्करता है वो 2-2.5 एकड़ की औसत है। आप आप सीलिंग लगाइए, आप कहिए 4 एकड़, 3 एकड़, आप कुछ बनाइए पैमाना, क्या पैमाना बनाया है? विपुल जी देखिए, किसान का कैटेगरी बांटा गया है, पहला सीमांत किसान है, लघु किसान है, इस टाइप से उसका डिवाइड किया गया है और बड़े किसान के भी रूप में किया गया। ऐसी बातें नहीं है किसान के बारे में। मेरा जो कहना था वो ये था कि पिछली बार भी जो कर्ज माफी हुई, कई ऐसे किसान थे जो उसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि बैंक तक एक तो उनकी पहुंच नहीं है, कर्ज जो वो कहां से ले रहे हैं, क्या वाकई में बैंक उनको कर्ज दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनके पास क्या ऐसी इतनी जमीन है कि बैंक उनको वो बैंक से कर्ज ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं? तो इस सरकार ने विपक्ष में रहते समय 10 सालों में क्या सीखा, कहां उन्होंने गलती की, क्या ये भी उसी को दोहराएंगे? दोहरा रहे हैं। क्या यही करना था इनको? क्या इसी के लिए नारा दिया था ये किसान की सरकार है? क्या देश खुशहाल ऐसे ही होगा? एक तो कर्ज माफी हो गई, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कर्ज माफी हुए, प्राकृतिक आपदा की कोई नीति नहीं बनाई है। वो जो नीति अभी तक चली आ रही है वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। देखिए, फसल का नुकसान का मुआयना करवाते हैं पटवारी से, वो क्लास 3 का एक तृतीय श्रेणी का एक कर्मचारी जो मात्र 10 कक्षा पढ़ा हुआ है, वो जमीन नापने के लिए विशेषज्ञ हो सकता है, क्या वो खेती में कितना नुकसान हुआ है उस यूनिवर्सिटी कृषि वैज्ञानिक के तुलना में क्या वो उतना विशेषज्ञ है, क्या वो नाप सकता है, क्या वो बता सकता है? आप सरकार उससे कराती है, क्यों कृषि वैज्ञानिकों को भेजकर उसका सही आकलन नहीं कराती? दूसरी बात, देश में इतनी बड़ी संख्या में है क्यों नहीं, हर राज्य में कृषि वैज्ञानिक है, विश्वविद्यालय हैं, कहां नहीं है, कितने सारे हैं, और खोल सकती है सरकार? क्या सरकार के पास मनाही है, क्या कोई लिमिट थी कि इस वो पूरा कर चुकी है और आगे नहीं करना चाहती? तीसरी बात, सरकार जो है बार बार ये कहती है कि उसे उचित मूल्य मिलेगा। देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बदहाली किसान की क्यों हुई, उसे आप अभी आपने भी कहा कि उसका बच्चा खेती करना नहीं चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? आपको एक चीज लगातार 50 साल से घाटा दे रही है, आप उसमें कैसे काम करेंगे? सरकार हमेशा कहती है, और मैं कहना चाहूंगा कि आपके मंच से कि बीजेपी सरकार ने बड़े जोर शोर से इस बात को कहा था कि हम लागत मूल्य पर 50% का मुनाफा देंगे, 10 महीने में क्या कदम उठाया सरकार ने? न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सरकार देती है, न्यूनतम, आप देखिए इसमें शब्द जुड़ा है न्यूनतम, अधिकतम क्यों नहीं दिया जाता उसको? एक कार फैक्ट्री का निर्माता कार बनाता है, लागत के बाद अपना मुनाफा जोड़कर उपभोक्ता को बेचता है, और किसान न्यूनतम पर। सरकार ने क्या वो वादा पूरा किया? अगर वो वादा भी आज पूरा किया होता तो आज गेहूं का जो 1400 रुपए में जिसमें खरीद नहीं हो रही है, मंडियों में अनाज सड़ रहा है, खुले में पड़ा हुआ है, उसका मूल्य 3000 से 5000 के बीच तय होता। ये स्थिति होती नहीं। चले, और इसमें एक और चीज है कि सरकार ने जो ये नया भूमि कानून लाए हैं, ये कह रहे हैं कि विकास के लिए जमीन की जरूरत है। अभी आरटीआई की रिपोर्ट आई है, 804 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 8% जमीन की कमी के कारण पूरे नहीं हो सके, और इसलिए नहीं पूरे हुए कि लोगों ने बैंक से पैसा खा लिया है, जमीन पे वो लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि इसके साथ साथ जो लोग सट्टा खेलना चाहते हैं हिंदुस्तान की सामाजिक दौलत के साथ, वो लोग चाहते हैं कि अब जो जमीन इन किसानों के पास पड़ी हुई है जिससे वो अपनी रोटी कम से कम कमा सकते हैं, पेट भर सकते हैं भी नहीं, आधा पेट भर सकते हैं, उसको भी छीना जाए, ये कानून एकदम वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर एक दिन में या एक बहस के दौरान कोई हल निकल पाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा करना होगा कि इस देश में सबका पेट भरने वाला किसान भूखे पेट सो रहा है और अपने परिवार की चिंता में आत्महत्या कर रहा है, सोचना हम सबको होगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आज के दूसरे मुद्दे पर चर्चा।
इंटीग्रिटी शो करता है। घंटा चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात अब करेंगे करप्शन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के। आज जो विधेयक पे जो चर्चा हुई है, जो विधेयक पे कैबिनेट की तरफ से विधेयक पे बिल को लेकर के उसमें तमाम संशोधन किए गए, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे तलाल साहब, ये जो तमाम कानून की बात हो रही है, जब आपकी सरकार थी केंद्र में तभी नया एक कानून लोकपाल को लेकर आया, लेकिन सवाल यही है कि तमाम कानून बनते हैं लेकिन उसका असर जमीन पर उतना देखने को नहीं मिलता है। चाहे निर्भया कांड के बाद इतना सख्त कानून बना लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि तमाम घटनाएं रुक गई हों। क्या वजह क्या है इसकी? और अब जो ये तमाम संशोधन किए जा रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, दो साल के अंदर सुनवाई पूरी होगी, सराहना करेंगे इस कदम की आप, और क्या कुछ कहना है आपका? यदि सरकार की मंशा वाकई इस तरह से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की है, जड़ से उन्मूलन करने की है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जहां मात्र जन आक्रोश को शांत करने के लिए यदि इस तरह का कदम उठाया जाता है तो वह पूरी तरह से निंदा का विषय बनकर रह जाता है। और असल जो समस्या आती है, जन आक्रोश किस वजह से? मैं अभी समझा नहीं आपकी बात। अभी तो कोई जन आक्रोश इसको लेकर के है भी नहीं जिस समय यह फैसला आया। देखिए, ऐसा है कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू होने में या सरकारी विभागों से जिस भी आम जन का जो पाला पड़ता है और वहां उस सरकारी काम में होने वाली देर भ्रष्टाचार का मूल कारण है, और उसी वजह से आज भी जन आक्रोश है। ऐसा नहीं है, वो असंगठित है, आपको नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए रेड टैपिज्म जो है वही भ्रष्टाचार का मेन कॉज है। यदि आप उसको दूर कर दें, यदि सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर दें तो आप देखेंगे, और यदि एक समय सीमा जवाबदेही चाहे कि अधिकारियों की जवाबदेही होगी, यदि किसी ने उसके समक्ष कोई आवेदन दिया है तो उसने उसके आवेदन पर किस समय सीमा में कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की, आज तक उसका कोई भी किसी भी तरह का जवाबदेही का कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार नहीं कर पाई, अफसोस है इस बात का। आपकी सरकार, देखिए, सरकार ने प्रयास किया था लेकिन चूंकि हमारी उस समय पूरी एक अकेली वो हम सत्ता में नहीं थे और हमारी जो है गठबंधन सरकार थी, और गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, और इसी कारण हमने पूरे प्रयास किया कि हम इसको जो है इस तरह से लागू करें कि जो ये क्रियान्वयन है वो ग्रास रूट पर नजर आए। चलिए ठीक है, 10 साल में जितने जिस तरीके से करप्शन के तमाम इल्जाम आपकी सरकार पर लगे हैं और जिसकी वजह से आपकी सरकार गई, वो भी कहीं छुपा नहीं हुआ है। लेकिन चोपड़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस कदम को, और वजह क्या है कि कानून बनते हैं लेकिन उसका असर या उसका खौफ, उसका डर वो लोगों में उतना नहीं होता? मैं विपुल जी आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। देखिए, ये कांग्रेस सरकार के दौरान ही कितने ही भ्रष्टाचार के जो है ये मामले उजागर हुए और कितने ही दोषी पकड़े गए और उनको सजा हुई। चलिए, ये भी कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ। चलिए, अब आज का बहस का मुद्दा दूसरा है, मैं मंशा पे सवाल नहीं उठा सकता। बहस का मुद्दा दूसरा है, वरना इस पर तमाम तर्क है मेरे पास। छोड़ा साहब, नहीं, मुख्य चीज तो ये है कि कानून पास करने से कुछ नहीं होगा। सवाल ये है कि आपकी इसके बारे में नियत क्या है। अभी अभी हरियाणा में काशनी आए थे, गुड़गांव के चीफ सेक्रेटरी हो गए थे, शायद गुड़गांव के क्या कहते हैं हाईएस्ट ऑफिशियल जो है। अब वो ईमानदार आदमी था, उसने कहा था मैं ईमानदारी से काम करूंगा, एकदम ट्रांसफर हो गई, खेमका की ट्रांसफर हो गई। तो मेरा ये कहना है कि ये एक या दूसरी पार्टी की कमी और खूबी नहीं है। करप्शन नव उदारवादी पूंजीवाद की कमी है, जहां पर हर कानून का आप घेरा डाल के निकल सकते हैं तो फिर लोग उसी तरह करेंगे जैसे कि वो ये वीडियो गेम्स खेलते हैं, किसी ने ये बटन प्रेस किया, किसी ने वो किया और निकल गए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब तक नव उदारवाद पे कब्जा नहीं किया जाएगा और ये जो कॉरपोरेट कंट्रोल में समाज आ रहा है, आज सरकार क्या कर रही है तो कंपनियां कर रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक आप कंपनियों के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे और उनको जनता के हित में कंट्रोल नहीं करेंगे तो करप्शन चलती रहेगी। आप लाख कानून बना लो, कार्ल मार्क्स ने कहा था जितने मर्जी कानून बना लो अगर लोग उनको नहीं मानेंगे तो वो कानून चलेंगे नहीं। तो आपको लगता है कानून बनाने नहीं चाहिए फिर? कानून बनाने से क्या होता है, कुछ काम करके दिखाओ। कानून तो है, कौन कहता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है? लाकड़ा साहब जी,
ये जो प्रोविजन ऑफ एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, एक तो आपको मैं बता दूं मोटी मोटी बातें जो हैं, एक तो ये कहा गया कि अगर रिटायर व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच होगी तो उसके लिए पहले लोकायुक्त या लोकपाल से परमिशन लेनी होगी. साथ ही मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों सजा में को बढ़ा दिया गया है. मैक्सिमम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है. तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ड्यूरेशन होता था कई बार बहुत लंबा वक्त निकल जाता था, अब ये कहा गया 2 साल मैक्सिमम टाइम रखा गया, उसमें आप सुनवाई पूरी करके फैसला दें. कुछ असर पड़ेगा इससे या फिर आपको लगता है चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए, कानून तो हमारे देश में अंग्रेजों ने भी बनाया था. कानून और सजा का प्रावधान भ्रष्टाचार नहीं वरन हर अपराध में है. लेकिन क्या उससे अपराध या भ्रष्टाचार कम हुआ आज तक? नहीं. क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार और सरकार के अधिकारी अच्छी नीयत से काम करना नहीं चाहते. अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सरकार की मंशा. एक तरफ सरकार कह रही भ्रष्टाचार रोकेंगे, जो क्या 5 साल की सजा से भ्रष्टाचार नहीं रुकता है? क्या 7 कर देने से वो रुक जाएगा? क्या ये ही पैमाना है सरकार का? आप देखिए, अभी फूड मिनिस्ट्री ने एक पासवान जी ने एक आदेश जारी किया 14 अप्रैल को, जिसमें ये कहा गया, हरियाणा के एडिशनल सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई को ये बताया गया कि 10% से ज़्यादा अगर किसी का गेहूं अफेक्ट हुआ है इसी प्राकृतिक आपदा में, सिकुड़ा है, टूटा है या काला पड़ा है, तो उस पर 1/4 भाव कम करना है. ये कौन तय करेगा कि वो 10% से ज़्यादा है या कम? ये सीधे सीधे फूड इंस्पेक्टर के भ्रष्टाचार को खुला आमंत्रण है. खुला आमंत्रण. एक तरफ सरकार कह रही है किसानों के लिए काम कर रही है, एक तरफ सरकार कह रही है हम उन्हें मुआवजा देंगे, एक तरफ सरकार का मंत्री आदेश करता है कि 1/4 भाव कम कर दीजिए, वो एक लगाम जो है, एक हंटर जो है फूड इंस्पेक्टर के हाथ में दे दिया. दूसरी तरफ अपने लोकसभा में उठे हर विरोध को दबाने के लिए एक नया काम कर देती है. अब लोगों को बहस का नया मुद्दा दे दिया कि हम सजा जो है 5 से 7 साल कर रहे हैं, 7 साल करने से सारा भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा और सबके अंदर डर समा जाएगा. क्या ऐसा संभव है? अंग्रेजों से भी क्या सख्त सजाएं किसी ने दी है सरकार ने आज तक? क्या उस, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, जो तमाम आरोपों पर या दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है वो सब हटा देना चाहिए? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है विपुल जी. अधिकारी भ्रष्टाचार क्यों करता है? लोग रिश्वत देने को क्यों मजबूर हैं? इन कारणों पर अगर सरकार कुछ संशोधन लाती और कुछ नई बात करती तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय कि संसद में और लोगों का ध्यान भटकाने और समय जाया करने के अलावा सरकार ने अभी तक समय सीमा घटाने का भी कोई असर नहीं होगा. देखिए, समय सीमा घटाने से की बात नहीं है, जो मौजूदा कानून है आप उसे अगर लागू करेंगे तो सब चीज हो जाएंगे. मौजूदा क्या नेता नहीं पकड़े गए अभी तक भ्रष्टाचार में? लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए घटना चक्र में. भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जब से देश आज़ाद हुआ तब से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी कितने लंबे समय तक चलेगा पता नहीं है. कानून कई आए कई गए लेकिन इस देश से भ्रष्टाचार नहीं गया, कब जाएगा किसी को फिलहाल पता नहीं है. घटना चक्र में इतना ही. तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जान टीवी. नमस्कार.